जय हिंद। युवराज की पाठशाला में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और हंसाने वाली पहेलियाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ में इन पहेलियों का सही आंसर देने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर। तो आइए आज का इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली पहली है, गरीबों की और पत्नियों की कौन सी चीज कभी नहीं लेनी चाहिए? आंसर होगा, गरीबों की हाय और पत्नियों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट पहली है, बेबस लाचार होना किसे कहते हैं? आंसर होगा, आस्था चैनल चल रहा हो और रिमोट खो जाए। नेक्स्ट पहली है, पांच चीजें जो खत्म होने पे बहुत तकलीफ देते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं दोस्ती, पैसा, प्यार, रविवार और इंटरनेट पैक। लास्ट वाला तो रुला ही देता है। अगली पहली है, वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपकी ही रहेगी, आपकी बीवी की नहीं हो सकती? इसका आंसर होगा, गलती। नेक्स्ट पहली है, शादी के बाद स्त्री माँ बाप एवं मायका छोड़ देती है, तो वहीं पुरुष क्या छोड़ देता है? आंसर होगा, पुरुष सुख शांति एवं अच्छे दिनों की उम्मीद। नेक्स्ट पहली है, बहुवचन किसे कहते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आंसर होगा, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है उसे बहुवचन कहते हैं। अगली पहली है, वक्त और जरूरत के हिसाब से आदमी की सोच बदल जाती है, पर कैसे? इसका आंसर होगा, जब चाय में मक्खी गिर जाती है तो चाय फेंक देते हैं, और घी में गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। अगली पहली है, आत्महत्याएं कितने तरह की होती है? आंसर होगा, पहली तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। दूसरी धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। नेक्स्ट पहली है, जरूरत से ज़्यादा भगवान को याद नहीं करनी चाहिए, बताइए क्यों? आंसर होगा, क्योंकि किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट पहली है, जो लोग हमेशा ऑफिस में ओवरटाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती होते हैं? आंसर होगा, नहीं, या तो वो बीवी से तंग है या वो ऑफिस में किसी के संग है। नेक्स्ट पहली है, आज के जमाने में महापुरुष कौन लोग कहलाते हैं?
आंसर होगा जिसने बीवी, नौकरी और स्मार्टफोन के बीच तालमेल बैठा लिया हो। अगली पहेली है, माँ और बीवी दोनों को हमेशा बेपनाह इज्जत और मोहब्बत देनी चाहिए, बताओ क्यों? आंसर होगा क्योंकि एक तुम्हें इस दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। अगली पहेली है, एक आदमी ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, आज मैं छत पर सोऊंगा, यह सुनकर कौन खुश था? आंसर होगा मच्छर, 15 मच्छरों ने लाइक कर दिया। अगली पहेली है, इस देश में तीन चीजें शायद कभी देखने को नहीं मिलेगी, बताइए कौन कौन सी चीजें? आंसर होगा काला धन, जेठालाल की सास और पोपटलाल की बीवी। नेक्स्ट पहेली है, मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है, बताइए कैसे? आंसर होगा बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी सिखा रही है। नेक्स्ट पहेली है, जो कपड़े अंग्रेजों के गवर्नर पहनकर लोगों को डराते थे, आज वो कपड़े कौन पहनते हैं? आंसर होगा आज हमारे बैंड वाले पहनते हैं। नेक्स्ट पहेली है, पुरुष और महिलाएं कैसी जीवन साथी चाहते हैं? आंसर होगा पुरुष चाहता है कि उसके जीवन साथी विश्व सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है कि उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। नेक्स्ट पहेली है, लड़कियां धीरे धीरे रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, बताइए कैसे? इसका आंसर होगा जब कन्या अपने पिता के घर होती है, रानी बनकर रहती है, पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है, इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। नेक्स्ट पहेली है, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? इसका आंसर होगा क्योंकि शादी के बाद सारे गम पति के और पत्नी तो बेगम हो जाती है। नेक्स्ट पहेली है, बताइए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कभी नहीं टिकती? आंसर होगा कैप्सूल खाके बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा, फेसबुक पर उपजा हुआ प्रेम और व्हाट्सएप पर पाया हुआ ज्ञान कभी नहीं टिकता है।